एक अजीब सी खुशी होती है मुझे ऐसी जगहों पे, और ऐसे लगता है कि आई जस्ट वांट टू ट्रैवल मोर. वो कहते हैं ना कि लिव इन द मोमेंट. वेल, दिस इज व्हाट ट्रैवल मींस टू मी. आई गेट एक्साइटेड, आई गेट इमोशनल, आई फील एवरीथिंग. गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे टू और आज है 30 अगस्त. और आज हम लोग जो है घूमने जा रहे हैं कैंप्टी फॉल, धनौल्टी और जॉर्ज एवरेस्ट की साइड. आई होप कल की वीडियो है जो आप लोगों को पसंद आई होगी. होटल से चेकआउट हमने कर दिया. सबसे पहला ये काम करेंगे कि हम दूसरा होटल ले रहे हैं, और बिकॉज ये जो होटल था मॉल रोड के पास हमने लिया था, तो यहाँ पर थोड़ा ना रश ज़्यादा है आप लोग बोल सकते हैं, तो इसलिए हम पीसफुल जगह पर जा रहे हैं, यहाँ पर शांति. चलो भाई, होटल से चेकआउट करने का टाइम आ गया है. हर हर महादेव, अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं. तो ये होटल था, अच्छा है, मैं रिकमेंड करूँगा. मसूरी आते हैं आप तो यहाँ पर आ सकते हैं. महंगा है वीकडेज़ में, वीकेंड पर अगर आप आते हैं तो थोड़ा महंगा है. अदरवाइज़ आपको 1000-1500 में अच्छा रूम मिल जाएगा. अगर आपको मॉल रोड के आसपास चाहिए तो ये बढ़िया होटल है. बट बिकॉज यार बहुत ट्रैफिक है मॉल रोड पे आने के बाद, ऐसे लग रहा है दिल्ली के चांदनी चौक में घूम रहे हैं भाई, इतना ट्रैफिक था कल. तो इसलिए आज सोचा थोड़ी शांति वाली जगह पे चलते हैं. तो बस जा रहे हैं वहाँ पर, होटल पे चेक इन करेंगे और उसके बाद फिर शानदार नज़ारों में घूमने निकलेंगे. और ये देखिए भाई साहब, वाह, बादलों के बीच में संदीप शर्मा, आकाश सिंह, बादल इम्पोर्टेंट है. ख़त्म नहीं होता और दूसरा आ जाता, देख रहे हो, बिल्कुल कुछ भी विजिबल ही नहीं है, चारों तरफ धुंधे धुंध. वाह यार, भाई ये जो व्यू अभी आपने देखा, ये व्यू है हमारे होटल से जो हमने अभी अभी चेक इन किया है जिसमें, और आपको रूम टूर दे देता हूँ इस होटल का एक बार. ये रूम है और सबसे मेन बात है रूम काफ़ी अच्छा है और लग्जरियस है. और व्यू देखिए यार, क्या शानदार व्यू मिलता है. और ये मेन मसूरी में नहीं है, मसूरी से 8 किलोमीटर नीचे आकर भट्टा फॉल पड़ता है, उसका जो रोपवे है बिल्कुल वहाँ पे साथ में ओयो होटल बना हुआ है, वहाँ पर हमने लिया है, तो काफ़ी अच्छा है. मेन रीज़न था यहाँ पर लेने का ये वादियाँ, ये नज़ारे यार. चलो चलते हैं हम यहाँ से और सबसे पहले चलेंगे जॉर्ज एवरेस्ट. तो मिलते हैं आपको मोटो ब्लॉगिंग मोड पर. तो भाई ये है होटल का फ्रंट व्यू जहाँ पर हम रुके हैं. ये आप देख पा रहे हैं भट्टा वाटरफॉल, इसके बिल्कुल फ्रंट में ये वहाँ पे मिल जाएगा आपको. और बहुत इकोनॉमिकल है, अच्छे खासे पे आपको व्यूज़ मिलते हैं, सीनरीज व्यू अच्छे हैं. बस निकल रहे हैं अपनी पहली लोकेशन के लिए आज की, बहुत मज़ा आने वाला है. चलो हर हर महादेव. तो भाई साहब, ये वो रोड है जो जाती है जॉर्ज एवरेस्ट पीक पर, सबसे ऊपर जाने वाले हैं अब, आएंगे असली नज़ारे. तो भाई क्या वैली है यार, चारों ओर देखो कैसे बादल जा रहे हैं भाई साहब, कितना सुकून भरा रास्ता है. मेरे को याद है जब मैं 3 साल पहले मसूरी आया था, तब भी हम जॉर्ज एवरेस्ट इसी रास्ते से गए थे. सबसे ख़ास बात, ये रास्ता ना जो छोटे छोटे मसूरी के गांव है ना, उन गांवों में से जाता है मेन मसूरी की मार्केट, और वहाँ से नहीं जाता. तो काफ़ी शांति वाला रास्ता है और सीनिक ब्यूटीज़ बहुत अच्छी हैं. ये देखो छोटे छोटे वाटरफॉल्स ऐसे आपको सड़कों पर मिल जाएंगे. तो भाई अभी रुके हैं फ़ोटो शूट के लिए जॉर्ज एवरेस्ट जाते टाइम, रस्ते में ऐसी जगह मिली भाई, फ़ोटो शूट करना बनता है यहाँ पर. तो भाई जब से आए हैं अभी तक अपनी बाइक के साथ फ़ोटो शूट नहीं किया, तो अब यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं फिर आगे चलेंगे. कोहरा ही कोहरा, बादल ही बादल. अरे भाई इन बादलों को तो मैं हाथ में पकड़ूंगा, क्या बात है यार भाई. लेकिन ये जितना एडवेंचरस है उतना रिस्की भी है, लेकिन तो इनकेस कोई भी आता है तो भाई साहब, पहाड़ों में सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप 2-व्हीलर से आ रहे हो. तो भाई हम तो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, बाइक की स्पीड सिर्फ 20-25-30, दैट्स इट.
और स्पेशल बात, और जिस रोड से अभी हम जा रहे हैं भाई, ना यहाँ पर एयरटेल की नेटवर्क है, ना जियो की नेटवर्क है, किसी भी सिम के कोई नेटवर्क नहीं है, ना ही कोई कनेक्टिविटी। अगर यहाँ कोई चीज़ है तो दैट इज़ लाइफ, दैट इज़ एडवेंचर। वाह यार, वाटर क्रॉसिंग, अब आएगा मजा भाई। लद्दाख वाली फीलिंग दिला रहा है ये, पूरे पूरी लद्दाख वाली फीलिंग। चुटकू सा वाटर क्रॉसिंग। आ गया भाई, इतना डांस किया यहाँ गाने लगाकर, इतना डांस किया भाई, सीन आप लोगों ने देख ही लिया होगा भाई। वीडियो में तो सिर्फ 5 सेकंड का दिखाया है, मज़ा आ गया। लेकिन चलो भाई निकलते हैं अब यहाँ से। देखो भाई रास्ता कैसा हो गया भाई साहब, क्या खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग है भाई, बहुत ही डेंजरस है भाई साहब। सड़क है ही नहीं, सड़क है ही नहीं, ऊपर से स्लिपरी है एकदम। बट भाई मज़ा आ रहा है बहुत। और भाई ये थके हुए चेहरे, ये थके हुए शरीर जो दिख रहे हैं, इसका रीज़न बिकॉज अब हम चढ़ाई कर रहे हैं जोर एवरेस्ट पीक की। लास्ट टाइम अगर हम इस रास्ते से गए थे तो यार ये खुला हुआ था पूरा, हम स्कूटी से डायरेक्ट ऊपर चले गए थे, 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बट अब ये पूरा बंद कर दिया है। तो 1.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, तो जा रहे हैं चल कर ऊपर, ऊपर पहुँचते हैं फिर आपको शॉर्ट दिखाते हैं जोर एवरेस्ट पीक के। भाई एक बात बताओ, ये व्यू देखने के बाद शब्दों की जरूरत है आपके लिए? बादलों के ऊपर चल रहे हैं जिस जगह पर अभी हम हैं, उसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट, और क्लाउड सैंड पे हम खड़े हैं और हम बादलों के ऊपर चल रहे हैं भाई। नो वर्ड्स, व्यू एंजॉय करिए, दैट इज इनफ। वो वहां पे चोटी पर लोकेशन दिख रही है, बस वहीं जाना है सबसे पीक पर, द क्लाउड्स एंड जॉर्ज एवरेस्ट का जो सबसे हाईएस्ट पीक है ना मसूरी के अंदर, वहीं जा रहे हैं। अब यहाँ से 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग और है, कुछ नहीं दिख रहा ऊपर क्या भाई साहब। आकाश सिंह, संदीप, मज़ा आ जाएगा भाई, जाना है तो जाना है, जाना है भाई। जॉर्ज एवरेस्ट से तो हम लोग आ गए हैं वापस, अब हम जा रहे हैं आज की दूसरी लोकेशन। भाई थक गए थे जॉर्ज एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ के, आना जाना टोटल हमें 7 किलोमीटर पड़ा, पर भाई जो वहाँ के नज़ारे थे ना, वसूल था भाई, चढ़ाई चढ़ना वसूल था। दूसरी लोकेशन अब हम जा रहे हैं रॉबर्ट्स केव, और लोकेशन मैंने लगाई है 19 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 41 मिनट्स लगेंगे। लेट्स सी, रॉबर्ट्स केव में पहले खुद कभी नहीं गया, देखो कैसा, सुना है काफ़ी अच्छा है,
चलते हैं और इन खूबसूरत नज़ारों को इन्जॉय करते हुए। क्या ज़बरदस्त वेदर हुआ है। फाइनली वी आर एट रॉबर्ट्स केव और डिसअपॉइंटमेंट है बिकॉज हम अंदर नहीं जा पा रहे यार। पानी है ना, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा मैला है और फ्लो पानी का बहुत ज़्यादा है, तो बाहर ही खड़े हैं। अदरवाइज अंदर केव्स हैं तो केव्स के अंदर पूरा पानी पानी होता है, आप जा सकते हो, बट पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। कोई नहीं, यहीं पर खड़े हैं, खिंचवा के वापस चलेंगे यहाँ से। लोकेशन ऐसी कि प्यार हो जाए, सही में यार मज़ा आ गया भाई। लोकेशन बहुत अच्छी है, बस यार व्यूअर आने लगी कि यार हम मॉनसून के टाइम यहाँ पर आए यार। अदरवाइज़ यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी अंदर गुफाएं हैं ना भाई साहब, क्या बताऊँ। गुच्चू पानी दरोबर्स के वो ठहरा दूँ भाई, ये बेचारे दोनों। मैं तो लोअर चप्पल में आया था, सही रहा, आराम से फोटो वगैरह खिंचवा ली। अब कुछ खाएँगे पियेंगे देन बैक टू मसूरी। तो गाइस अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो कल जो है वीडियो का लास्ट सीन शूट नहीं कर पाया था बिकॉज काफ़ी बारिश थी। और सेम आज की वीडियो में भी आया, जब हम वापस आ रहे थे रॉबर्ट्स केव से तो इतनी ज़्यादा बारिश थी, मैंने गोप्रो उतार के अंदर रख दिया, तो रात को मैं वीडियो एंड भी नहीं कर पाया बिकॉज आके जल्दी सो गए थे। तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो दिस इज़ मुसाफिर गाइड डेविड साइनिंग ऑफ फॉर माय यूट्यूब चैनल।